आपन सब बहुत उत्सुकता से ये कार्यक्रम के इंतजार करत रहा, बहुत उत्सुकता से कई चार पांच साल से कर इंतजार करत रहा। आज वो कार्यक्रम यहाँ आप मन के बीच में हो थे और हमन सब बहुत गदगद हन कि ओकर आदम कद मूर्ति आज हमर बीच में लगे है। हमन सब माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद कहा थन। और आप ला मैं बता, आज तो ऐसे कार्यक्रम में मैं कछु मांग नहीं रखो, यहाँ आज के कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ हमर शहीद जी के नाम से है, हमर श्रद्धे के नाम से है, तो आज मैं कोई मांग नहीं रखा था। लेकिन ये मंच के माध्यम से आप लोग एक चीज बताना चाहता हूँ कि खरसिया वासी मला हमर मुख्यमंत्री जी एक सौगात जरूर दिन है। आप लोग याद हो ही जब रायगढ़ में कार्यक्रम रही, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी लेकिन मांग रखे रहे हैं कि यहाँ ओवर ब्रिज बनिया करके, और वो ओवर ब्रिज बजट में पास होगी से और उकर प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ गई से। आने वाला समय में वो ओवर ब्रिज अभी बनी, तो ये मंच के माध्यम से मैं समस्त खरसिया वासियों के तरफ से मैं हमर श्रद्धे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत साल पुराना मांग ला आज कांग्रेस पार्टी के सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरा कैसे। मैं आप सब ला फिर से एक ही बात माननीय मुख्यमंत्री जी ला ये मंच के माध्यम से कहा कि आप मैंने जो आदमी मतलब देखा था माननीय मुख्यमंत्री जी, यह कांग्रेस पार्टी है और यही उमेश पटेल है, मन एक जीमन। और आप लोग बता, पिछला चुनाव में जो मन दमदारी दिखाई ने, पिछला चुनाव में मन सब उमेश पटेल बन के एक एक बूथ में एक आदमी मन करे मन लड़ी ने। ये मंच के माध्यम से मैं मोर तरफ से, मोर परिवार के तरफ से और पूरा कांग्रेस परिवार के तरफ से आप सबो जिला कोटि कोटि नमन करत हूं, आप सब जिला कोटि कोटि नमन।